हेलो बच्चों, तो मैं रिमझिम कुमारी आप सबों का फिर से बेदुआरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग क्लास 10 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है और इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ होता है? तो चैप्टर को दो पार्ट में बांट दिया गया है। पहले आपको हेरिडिटी के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद उसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आपको इवोल्यूशन के बारे में पता जाएगा। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पहले हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी इवोल्यूशन जो टर्म है कौन से बायोलॉजी में आता है? तो जेनेटिक्स में आता है। जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी का ही एक पार्ट है जेनेटिक्स, जिसमें ये हेरिडिटी और इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आता है। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। एक ब्रांच, एक ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जो हेरिडिटी और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर रखकर समझाता है। तो जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हेरिडिटी तो बार बार सुन रहे हैं, आखिर ये हेरिडिटी टर्म है क्या? तो हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, आइदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेरिडिटी क्या है? किसी भी तरह का कैरेक्टर, किसी भी तरह का ट्रेट जो कि पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में जाता है, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? इन हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी ट्रेट, ट्रेट यानी कि कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो है एसेक्सुअल में भी होता है और सेक्सुअल में भी होता है, लेकिन एसेक्सुअल में इसका ये जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में। यानी कि हेरिडिटी का प्रोसेस तो होता है लेकिन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में होता है, लेकिन सेक्सुअल में ज्यादा कर होता है, एसेक्सुअल में उतना नहीं होता। होता है तभी तो क्लोन बनता है ना, एसेक्सुअल में तभी तो क्लोन बनता है, लेकिन वेरिएशन जो है, वेरिएशन जो आता है वो एसेक्सुअल में कम आता है, सेक्सुअल में ज्यादा आता है। एसेक्सुअल में कम आता है और सेक्सुअल में ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन। क्या है? वेरिएशन। तो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। इसमें अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको लिखकर बता देते हैं। वेरिएशन क्या बोल रहे हैं हम? वेरिएशन क्या बोल रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस इन टू मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। क्या देखें? वेरिएशन क्या है? मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस इन दी इन टू मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हम जो है अपने मम्मी पापा के क्या है? ऑफस्प्रिंग है। हमारे मम्मी पापा क्या है? पेरेंट है। उन्हीं में से हम लोग आए हैं। तो क्या उन दोनों में से तो हम लोग आए हैं? मतलब हमारे पेरेंट से ही हम ऑफस्प्रिंग आए हैं, ऑफस्प्रिंग आए हैं। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये आप भी हो और ये आपके भाई भी हैं, मतलब आप दोनों अपने पेरेंट्स से ही आए हो। तो क्या आप दोनों एक जैसे दिखते हो? नहीं दिखते। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, उनके जो ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स जो भी है उनके जैसे सेम दिखते हैं।
तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ये किसके वजह से आ रहा है? इसी वेरिएशन के वजह से, ये जो हम दोनों ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आ रहा है इस वेरिएशन के वजह से। हेरिडिटी तो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मदर फादर का कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में आता है, लेकिन ये वेरिएशन क्या होता है, ये वेरिएशन के वजह से क्या होता है, हम अपने ही, जैसे हम ह्यूमन है, एक ही स्पीसीज है, तो हम अपने ही स्पीसीज से क्या होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, सेम तो नहीं दिखते। तो यही होता है वेरिएशन, ये क्या होता है, वेरिएशन। समझ में आया, क्लियर है वेरिएशन क्या है? तो हम यहां क्या समझ गए, हेरिडिटी समझ गए और वेरिएशन समझ गए। वेरिएशन जो होता है, वो जो हम हेरिडिटी में बता रहे थे, वो गलती हो गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था थोड़ा सा। तो एसेक्सुअल में वेरिएशन कम होता है, वेरिएशन कम होता है, एसेक्सुअल में वेरिएशन कम होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन सबसे ज्यादा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है। क्यों भाई? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखते हैं तो इसमें क्या अमोइबा है, चलिए अमोइबा है, तो अमोइबा इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमोइबा खुद को डिवाइड करके दो डॉटर सेल में बनाता है। अमोइबा है तो इसमें क्या होता है, ऐसे करके डिवीजन होता है, यहाँ बीच से पार्टीशन होता है और ये दो अमोइबा में चेंज हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों अमोइबा क्या होता है, क्लोन्स होता है, ये दोनों अमोइबा क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, नो वेरिएशन होता है, नो वेरिएशन होता है, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं बिल्कुल, और अपने जो इसके साथ जो बने उसके साथ बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं, ये सारे क्या है, एक जैसे दिखते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं, एक बार और समझाते, जैसे अमोइबा है, अमोइबा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अमोइबा जो हमारा है वो क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब अमोइबा डिवाइड होने लगता है, जब अमोइबा डिवाइड होने लगता है तो दो दो क्या बनाते हैं, डॉटर सेल बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात आएगा तो इसमें यंग वंस को क्या कहेंगे, यंग वंस को क्या कहेंगे, यंग वंस आर कॉल्ड डॉटर सेल, डॉटर सेल और रैमेट्स, और रैमेट्स, ठीक है, ये कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और यंग वंस को क्या कहेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यंग वंस को हम लोग क्या कहेंगे, उसमें हम लोग ऑफस्प्रिंग कहेंगे। चलिए यहां पर तो हो रहा है अमोइबा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल। तो ये अमोइबा जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, ये न्यूक्लियस हो जाता है, ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। तो ये सारे जो है, ये और ये तीनों क्या हो जाते हैं, क्लोन्स, यानी कि एक जैसा आप दिखते हैं, नो वेरिएशन, तीनों क्लोन्स होते हैं, नो वेरिएशन। यहां समझ में आया, इसमें वेरिएशन क्या है और हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी यहां पर भी हो रहा है, हेरिडिटी यहां पर भी हो रहा है, जैसा पेरेंट्स दिख रहा है वैसा ही तो बच्चे दिख रहे हैं ना, वैसे ही तो डॉटर सेल्स दिख रहे हैं ना, यानी कि पेरेंट्स से सारे कैरेक्टर डॉटर सेल में आ गए, यानी हेरिडिटी यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां क्या नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो चलते हैं अपने, ये क्लियर हो गया कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में जानेंगे। हेरिडिटी हम समझ गए कि जो भी कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है उसको कहते हैं हेरिडिटी। ये किस में होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में होता है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस, जैसे कि हम ह्यूमंस में होता है। हम ह्यूमंस में क्या होता है कि हम जैसे दिखते हैं वैसा मेरा ब्रदर नहीं दिखता, हम जैसे दिखते हैं वैसी मेरी सिस्टर नहीं दिखती। तो क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस क्रॉसिंग ओवर फर्टिलाइजेशन म्यूटेशन। तो फिर जैसा कि हम बोल रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों ज्यादा होता है, तो ये रीजन है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और म्यूटेशन होता है। तो आप में से कितने बच्चों ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और म्यूटेशन क्या होता है? तो उन बच्चों के लिए हम ये भी बता देंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब हमारे बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर फीमेल में हो तो उसको ओजेनेसिस कहते हैं, और अगर मेल में हो तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, सारे हम जानते हैं हमारे अंदर जितने भी सेल है, चाहे वो वेजिटेटिव हमारे अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड से क्या होता है, ये हैप्लॉयड में पहले चेंज होता है और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। तो ओजेनेसिस में तो इसी केस में क्या होता है, थोड़ा सा जब वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होता है तो थोड़ा वेरिएशन यहाँ पर आ जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर बोले, ये क्या हो गया, ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्लियर है। नेक्स्ट आ गया, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। जब दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो क्या देख रहे हैं, ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक साथ क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ, और ये क्या देख रहे हैं कि इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया। तो ये क्या कर्ज करेगा, वेरिएशन कर्ज करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं म्यूटेशन। ये क्या है, म्यूटेशन मेनली किसमें होता है, डीएनए टेम्पलेट में। डीएनए में क्या देखते हैं, ये सब जो क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये जीन्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये टूट जाता है या कुछ और अलग टाइप का न्यूक्लियोटाइड बना देता है। डीएनए में हम न्यूक्लियोटाइड नहीं जाते, छोड़िए, डीएनए होता है, ये म्यूटेशन जो होता है किसमें होता है, डीएनए में होता है। डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है। ये जो क्रोमोसोम है इसी के अंदर जो होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं डीएनए, और यही डीएनए जो है कैरेक्टर वगैरह जो है अपने अंदर रखता है कि अगर वो पेरेंट्स में से आ रहा है तो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है ये अपने अंदर रखता है। फिर जब बेबी में आता है तो वो कभी कभी खुद से कभी नया नया कैरेक्टर फॉर्म करता है, तो कुछ गड़बड़ी के कारण म्यूटेशन हो जाता है जिससे और नए कैरेक्टर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये होता है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन में जो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के वजह से जो एग बना, स्पर्म बना, जब ये दोनों फर्टाइल करता है, यानी दोनों जब एक साथ मिक्स करता, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है, तब भी कुछ नए कैरेक्टर बनते हैं, वेरिएशन आते हैं। ठीक है, तो यहां से क्लियर है कि वेरिएशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस हम समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्रॉसिंग ओवर समझ गए, दो क्रोमोसोम जब क्रॉस करते तो कभी उसमें क्या होता है, उसका कैरेक्टर इसमें आ जाता है, इसका कैरेक्टर उसमें आ जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन देख लिए, म्यूटेशन देख लिए, हम ये भी बता दिए कि यंग वंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, और जो यंग वंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको क्या कहते हैं, डॉटर सेल और रैमेट्स, और क्या कहते हैं, रैमेट्स, डॉटर सेल और रैमेट्स। ये क्लियर है, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। हेरिडिटी जेनेटिक्स में क्या आता है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है तो क्यों होता है, ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमारा टॉपिक क्या है कि डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, क्या है भाई डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, तो हेरिडिटी यहाँ लिख देते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेरिडिटी और वेरिएशन। चलिए ये तो हम जान लिए कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, क्लियर है। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वेरिएशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। तो हम चलते हैं अपने नोट्स वाले एरिया पे, और यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन।
हेरिडिटी और वेरिएशन। तो पहला तो इसका डिफिनेशन ही हो जाएगा, हेरिडिटी क्या होता है, एक मिनट, हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या हमारा पहला डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। अच्छा ये स्पीसीज का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना, स्पीसीज क्या होता है, डॉग क्या है, डॉग का एक स्पीसीज होता है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन का एक स्पीसीज होता है। तो ये हुआ क्या, पहला डिफरेंस हुआ। पहला डिफरेंस को तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, है ना, डिफिनेशन में। तो नेक्स्ट दूसरा डिफिनेशन क्या है, दूसरा डिफिनेशन क्या है, हेरिडिटी का हैज नो इन्फ्लुएंस इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, इसके वजह से कोई इवोल्यूशन नहीं होता। इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशन में क्या होता है, नया कैरेक्टर फॉर्म करता है, जिसके वजह से कभी कभार क्या होता है, वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और मॉडरेट भी होता है। अगर अच्छा हुआ तो उसको क्या करती है, नेचर जो है, सराउंडिंग जो है, इन्वायरमेंट जो है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई ये तो अच्छा इवोल्यूशन हुआ है। ये क्या करता है, आपको सस्टेन करने में, आपको अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को इवॉल्व करने में, खुद को सस्टेन करने में मदद करता है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट सर्वाइव कर सके। अगर अच्छा इवोल्यूशन हुआ, अगर अच्छा चेंज आया, सही चेंज आया, तो अगर गलत चेंज आया तो जैसे कि अगर आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, इवोल्यूशन, आप इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपके बॉडी में म्यूटेशन के वजह से या फिर क्रॉसिंग ओवर में कुछ चेंजेस की वजह से आपके बॉडी में कुछ चेंज आया, वेरिएशन आया, लेकिन वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप मर जाओगे, ठीक है। और अगर मॉडरेट हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदा ही रहोगे, लेकिन ये ना अच्छा है ना बुरा है। तो तीन टाइप के वेरिएशन होते हैं। तो जो हेरिडिटी, उसके वजह से तो कोई वेरिएशन होता नहीं है, वेरिएशन होता है तभी इवोल्यूशन होता है, तो इसलिए इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वेरिएशन में। ये क्या है, लीड्स, इसका क्या डिफरेंस हो जाएगा, लीड्स टू इवोल्यूशन बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फेनोटाइप कैरेक्टर, तो क्या बोल रहे हैं, जिससे तो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, नया नया कैरेक्टर, फेनोटाइप के बारे में हम जानेंगे आगे। फेनोटाइप क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि वेरिएशन आने से क्या होगा, इवोल्यूशन, ये क्या करता है, इवोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द
नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन पॉपुलेशन। जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं अमोइबा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसमें हेरिडिटी होता है लेकिन वेरिएशन नहीं हो रहा है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि उसमें वेरिएशन होता है। जब वेरिएशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, सारे ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सारे जितने भी अमोइबा बनेंगे वो क्या है, सारे एक जैसे दिखेंगे। तो एक जैसे दिखेंगे तो क्या उसमें डिफरेंस हो पाएगा, उनके डाइवर्सिटी जो झुंड है उसमें क्या हम इसको बता सकते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये दूसरा अमोइबा, ये तीसरा, ये पहले है, ये बाद में, ऐसा बता सकते हैं, नहीं बता सकते। लेकिन हम ह्यूमंस में डाइवर्सिटी होता है किसके वजह से, वेरिएशन के वजह से। तो हम जो है अलग अलग खुद को बता सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिटी विद इन पॉपुलेशन। ये क्लियर हो गया, ये डिफरेंस सबको क्लियर है हेरिडिटी और वेरिएशन का। तो आज हम लोग जाने हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।